बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ अनुरक्त शिष्य मित्रों के भविष्य का सरकार कभी भी कर सकते हैं ऐलान। स्वतंत्र देव सिंह ने अमिताभ अग्निहोत्री से खुल कर बोल दिया। क्या है पूरा समाचार, शुरू करते हैं आज का वीडियो, पूरा अंत तक देखिए साथियों, स्किप ना करें, चलते हैं आज का शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का वैश्विक शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। मानदेय तो कम से कम बढ़ना चाहिए। आपसे 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 व्यक्तिगत तो बात कर लूंगा, इनकी समस्या का समाधान 100% हो। जी धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन फोन से हुए, तो इनका सवाल है क्या कुछ बातचीत हुई कहीं आपसे? पर श्री कुमार जी, अभी मैं आश्वासन देना चाहूंगा, निश्चित तौर पर जो बात है वो जिन लोगों की लोगों ने जो यहाँ पर डिस्कस किया है वो बात आगे बैठी है उनसे भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि बात वहां तक पहुंचाई जाए। अब क्योंकि मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ इसलिए हम तो देख रहे हैं लेकिन वो लोग शायद हमें आप नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वाई फाई की पता नहीं क्या वजह है, अभी अभी सही था पता नहीं क्या होता है, वो जो भी है जो भी वजह है, तो मैं बिल्कुल आश्वासन देना चाहूंगा क्योंकि बात आगे बढ़ी है लेकिन चूंकि वो भी है थोड़ा सा लीगली जो है तो वहां पर बात हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन बात है इसलिए हमें उसका थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया में भी परिषद में भी इस बात को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं भी हो रही है और जो हमें फीडबैक मिला है वो मुझे बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूँ, जो कि बिल्कुल आश्वासन भी मिला है, जो कभी भी ऐसा नहीं है जो कि हमें ये समझे जो कि सरकार उनके पक्ष में नहीं है या सरकार जो की प्रक्रिया इस तरह से हुई है जिसमें सरकार को उस चीज को देखना पड़ रहा है, नहीं तो हर वक्त हमेशा से ही इन लोगों के साथ खड़े हैं, इसमें कोई दुख मत नहीं, ये मैं आश्वासन आपको देना चाहता हूँ। मिश्रा जी, क्या कल परिणाम देखकर आज 10 रुपए डीजल के क्या दिए, 5 रुपए पेट्रोल के? नहीं नहीं, कल परिणाम देख के? साथियों देखा आपने किस तरीके से लगातार सरकार सक्रिय रूप से सवालों का जवाब दे रही है और पल पल यही कह रहे हैं कि उनके भविष्य के बारे में सरकार ने निर्णय ले लिया है, बस घोषणा करना बाकी है। और यहाँ पर आपने देखा लाइव हमारे इन सौजन्य से टीवी चैनल्स के, और इसमें स्पेशल कवरेज न्यूज़ है और हमारे TV9 के सहयोग से हमने आपको दिखाया वीडियो। और यहाँ पर एक और बात बताना चाहेंगे, सपा से फारूक हसन चांद ने कहा है कि हमको अगर कानून बनाना पड़ा और किसी तरीके की प्रक्रिया शुरू करनी हुई तो हम कानून बना कर अनुदेशकों को समायोजित करेंगे, नियमित करेंगे। साथियों इन्होंने ये आश्वासन दिया है, बार बार इस बात को रिपीट किया है कि भले हमको कुछ नया कानून बनाना पड़े जो कि सरकार का विशेषाधिकार होता है उसके तहत, तो हम उसको बनाकर नियमित करने का काम करेंगे और बाद में जाके हम सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में बता देंगे कि हमने ऐसा कानून बनाकर इनको नियमित किया है। साथियों और हमारी सरकार आते ही हम 24 घंटे के अंदर अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों की जो समस्याएँ हैं उनको समाधान करेंगे उनका, और उनको समायोजित करेंगे उनके पद पर। साथियों आज के इस खास समाचार में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, वी शैल ओवरकम।